and welcome to my channel. This is Megha. As you all guys know ki Nykaa pe Pink Friday sale chal rahi hai. So in this video I'm going to share my Nykaa recommendations plus my Nykaa haul. तो अभी तक मैंने नायका पे बहुत सारी शॉपिंग कर रखी है, तो उन्हीं में से कुछ मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर करूंगी, सो दैट कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में अपना एक पर्सनल मेकअप किट बना सको जो कि आपके लिए अफोर्डेबल भी होगा, प्लस आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट भी कर सकते हो. अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर भी कर देना. सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्किन केयर से, क्योंकि विंटर्स आ गए हैं तो सबको एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर तो चाहिए चाहिए है. सो मेरे पास यहाँ पर ये पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर है जो कि काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर है और आप इस मॉइस्चराइजर को डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हो. प्लस अगर आप इस मॉइस्चराइजर को यूज़ करने के बाद में अपना मेकअप स्टार्ट करते हो तो काफ़ी अच्छा मेकअप लुक भी आपको ये देता है, क्योंकि ये मॉइस्चराइजर बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है. और अभी मैंने इसी मॉइस्चराइजर को यूज़ किया हुआ है मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए. आप नायका पे देखोगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स कॉम्बो के फॉर्म में हैं, सो मैंने भी ये मॉइस्चराइजर कॉम्बो में ही परचेज़ किया था और इसके साथ में मैंने परचेज़ किया था ये शीट मास्क, प्लस मैंने इसके साथ में परचेज़ किया था ये पॉन्ड्स का मिसेला वाटर विथ एलोवेरा. इसमें एक और वेरिएंट आता है जिसमें कि चारकोल होता है. अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो आप वो चारकोल वाला भी परचेज़ कर सकते हो. नाउ मूविंग ऑन टू मेकअप, एंड मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से सारे प्रोडक्ट्स को भी परचेज़ कर सकते हो. सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमर्स की. सो मेरे पास है यहाँ पर ये कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर और इसका MRP है 825 रुपीज़. ये पुरानी वाली पैकेजिंग है. अभी कलर बार ने एक और प्राइमर लॉन्च किया है जिसकी पैकेजिंग थोड़ी सी डिफरेंट है और उसका प्राइस भी इस वाले प्राइमर से कम है. उसका प्राइस अराउंड 500 समथिंग है. सो ये कलर बार का प्राइमर बहुत ही अच्छा प्राइमर है और इसका इंडिविजुअल रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पर कर रखा है. सो इनकेस अगर आप उसे देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूँगी. सो नेक्स्ट प्राइमर जो मेरे पास में है वो है ये लैक्मे का ब्लर परफेक्ट प्राइमर. ये भी बहुत ही अच्छा प्राइमर है. इसमें आपको थोड़ा सा पिंकिश शेड मिल जाता है, बट द ओनली थिंग इज दिस, ये वाला लैक्मे का जो प्राइमर है इसका MRP ये कलर बार के प्राइमर से थोड़ा सा कम है और ये लैक्मे का प्राइमर आपको काफ़ी बार ऑफर्स में मिल जाता है. आपको अपने बजट और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी प्राइमर अच्छा लगे आप उसे परचेज कर सकते हो. नाउ कमिंग ऑन टू द फाउंडेशन, मेरे पास यहाँ पर दो फाउंडेशन है, दोनों ही लैक्मे के फाउंडेशन हैं. पहला फाउंडेशन है ये लैक्मे का 925 मूस फाउंडेशन और दूसरा मेरे पास में है लैक्मे का ये एब्सोल्यूट मूस फाउंडेशन. दोनों ही फाउंडेशन बहुत ही अच्छे फाउंडेशन हैं, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज इसका MRP थोड़ा सा कम है इस लैक्मे के एब्सोल्यूट वाले फाउंडेशन से. प्लस ये लैक्मे के एब्सोल्यूट फाउंडेशन का कवरेज भी 925 वाले फाउंडेशन से ज़्यादा अच्छा है. सो अगर आपका बजट है और आप एक अच्छा फाउंडेशन परचेज करना चाहते हो तो सो डेफिनेटली गो फॉर दिस लैक्मे एब्सोल्यूट फाउंडेशन. बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, प्लस इन दोनों ही फाउंडेशन को यूज़ करने के लिए आपको कोई भी ब्रश या फिर स्पॉन्ज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इन दोनों ही फाउंडेशन का इंडिविजुअल रिव्यू मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप उसे भी देख सकते हो. नाउ कमिंग ऑन टू द आई मेकअप, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक काजल की. आई थिंक ये वाला लैक्मे का आइकॉनिक काजल जो कि सभी का फेवरेट है और सभी के पास में होगा. सो ये वाला आइकॉनिक काजल जो कि डीप ब्लैक शेड में है, मैं इसी काजल को ऑल टाइम यूज़ करती हूँ. नाउ कमिंग ऑन टू द आई लाइनर, मेरे पास में है ये मेबलिन का आई लाइनर और ये है लैक्मे का 925 आई लाइनर और ये दोनों ही आई लाइनर मेरे फेवरेट हैं. आप दोनों ही आई लाइनर्स को यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छे वाले आई लाइनर्स हैं. नाउ अब बात कर लेते हैं मस्कारा जो कि मस्ट हैव है. मुझे मस्कारा लगाना पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है. सो मेरे पास में है यहाँ पर ये मेबलिन के मस्कारा, ये है मेबलिन का हाइपरकर्ल और ये है मेबलिन का कोलोसल मस्कारा. प्लस मेरे पास में है ये लैक्मे का आइकॉनिक वाला मस्कारा. तो इन तीनों मस्काराज में ये मेरा फेवरेट है पर्सनली, बिकॉज इसका जो वॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर्व शेप में है तो ईजी टू यूज़ हो जाता है, इसलिए मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है. एक चीज़ मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से आप सबको बता दूँ कि अगर आपका कोई भी पर्सनल कंसर्न एरिया है तो आप उस एरिया के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ करने जा रहे हो या प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हो वो थोड़ा सा कॉस्टली और अच्छा वाला यूज़ करो, सो दैट आपको उस पर्टिकुलर एरिया की वजह से पूरा आपका मेकअप लुक ख़राब नहीं होना चाहिए. सो मेरा कंसर्न एरिया है मेरी आईब्रोज. सो मैंने यहाँ पर ये शुगर का ब्राउ डिफाइनर परचेज़ किया हुआ है. ये काफ़ी अच्छा वाला ब्राउ डिफाइनर हो जाता है बिकॉज इसमें आपको एक ही प्रोडक्ट्स में दोनों चीज़ें
मिल जाती हैं, इस साइड में स्पूली है और इस साइड में आपका एक्चुअल प्रोडक्ट है, जो कि बहुत ही ईजी हो जाता है यूज़ करने के लिए और इसका एप्लीकेशन भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप एक बिगनर हैं और आपको आई शेडो लगाना बहुत पसंद है बट आपको आई शेडो लगाना नहीं आता, सो आई विल सजेस्ट दिस वेट एंड वाइल्ड आई शेडो पैलेट। और इसमें मेरा शेड है रोज इन एयर और ये बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड आई शेडो पैलेट है, इसीलिए मैंने इसको परचेज किया था। एंड आई कैन डेफिनेटली से इट कि ये आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, तक इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, बहुत ही अच्छा वाला आई शेडो है, आप इसे ज़रूर परचेज करें। सो ये था आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ सो प्लीज़ हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं इसी तरीके के एक और अमेजिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय।